नमस्कार साथियों, इस समय हम देख रहे होंगे कि नदी के बीच में बीचों बीच है हमारे साथ राजू बिहार, हमारे करीबी मित्र हैं। और आपको बता दें कि हम लोग कम से कम 5 साल हो गया ना मिले, 5 साल के बाद जो है कि हम लोग मिले हैं। ये बीटीसी लड़े थे पहली बार और उसी समय जो है कि हम लोगों का मुलाकात है। अब 2 महीना पहले चुनाव नमावली से 2 महीना पहले हाँ, जब नमावली हो रहा था उससे 2 महीना पहले मुलाकात हुआ था। उसके बाद जीत भी गए और अब हम 1 साल बाकी है कि कितना दो साल छः महीना यानी 2.5 साल के बाद हम मिले थे। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो अब सुनिए। हम लोग बीचों बीच नदी में है और ये हम लोग सोचे कि ये जो रास्ता है ये एकदम सही है और बीच में पुलिया डाल गई है पाइप और पानी निकल रहा था, लेकिन अब पानी ओवर होने के कारण अब क्या हुआ कि ये लोग बेचारे जो किरदार हैं और अन्य लोग जो भी हैं यहाँ के जिम्मेदार, वो लोग देखे कि अब पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो यहाँ से अब इसको खन कर और रास्ता एक बना दिया और पानी जाने का। अब देखिए यहाँ पे खन दिया गया, आइए देखिए ये खन दिया गया और पानी इसमें से निकल रहा है। अब मुश्किल ये है कि हम लोग वापस जाना नहीं चाहते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए। अब मुश्किल यह है कि हम लोग जाना नहीं चाहते हैं वापस, हालांकि चले जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-3 किलोमीटर पड़ेगा घुमा के और तो ऐसे घूम कर हम लोग चले जाएंगे। लेकिन अब हम लोग सोच रहे हैं कि इसको ऐतिहासिक मिलन बनाया जाए और ऐतिहासिक जो है कि इसलिए, और आप देखिए जेसीबी चल रही है फिलहाल और चल रही है, देख रहे होंगे आप लोग कि लोहे का जो पूरा मन का करी कर जा रहा भोजपुरी में जो ना कि वो लकड़िया वाला रहा है पहले वहाँ जानते हुआ आप लोग, तब वही मतलब लोहा का बात अब एक पे रखाई और रखीले के बाद जो गाड़ी आप वो पार जाई। अगर चैनल पलट जाए तो गाड़ी पलट जाए, संगे आप भी पलट जाए। फंस गए थे और ये वर्तमान प्रत्याशी हैं प्रधान पद के, और बेचारे देखिए हमने करी बताया था आप लोगों को ना, ये चैनल हालांकि लोहा का है तो चैनल कहेंगे, चैनल ये रखा गया और हम लोग पार हो गए। आप लोगों ने देखा किस तरह से। तो आपका घर रामबन जखनिया विधानसभा में पड़ता है रामबन, और ये प्रधानी अभी लड़ने के चक्कर में है हमारे साथी हैं। और आपका घर झोटारी अभी जखनिया विधानसभा में आता है, दुल्लापुर के करीब है ये और धामूपुर के बगल में है, यानी कि वीरों की धरती, शहीदों का देश। और हमारे जो परमवीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद जी हैं जो उड़ती हुई चिड़िया के को निशाना लगाकर और मारते थे, आज हम लोग भैया जो है कि नदी में बहते हुए पुल में जो है कि बहते हुए पानी में हम लोग चैनल रखे और आप लोगों ने देखा कि किस तरह से आए इन दोनों लोगों के सहयोग से और हमें पार करवाए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।